नमस्कार, आप लोगों का फाइनेंस ज्ञान में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो टेस्ट 13 देखने वाले हैं और फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पर उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न निर्वाचन से संबंधित भाग है। द हेडक्वार्टर ऑफ, यहाँ पे इंग्लिश में आपका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड पार्ट की बात कर रहा है कि भाई आपका जो यहाँ पे संविधान में जो भाग है आपके 22, उसमें से जो है कौन सा संबंधित है निर्वाचन से। देखो, आपका भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 जो है यहाँ पे संबंधित है किसे, निर्वाचन से संबंधित है। अब यहाँ पे जो भाग 17 है ये राजभाषा से संबंधित, यानी आंसर इसका ये हो जाएगा, ये राजभाषा से संबंधित है, आर्टिकल 343 में। आगे भाग 18 आपका है, एक किससे संबंधित है, तो इमरजेंसी से, यानी आपातकाल सिस्टम से, इमरजेंसी आपात उपबंध, जिसको हमने जर्मनी से लिया है। ये आपका 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 हमारा जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंस इमरजेंसी। यहाँ पे 20 जो है वो आपका क्या है, संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जा रही है, संविधान संशोधन आर्टिकल 368, इनको ध्यान रखना है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता ग्राम प्रतिदिन है, व्हाट इज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन ग्राम्स पर डे इन इंडिया। तो यहाँ पे देखो, भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात की जा रही है, तो कितनी है भाई यहाँ पे 444 ग्राम प्रति जो है यहाँ पे व्यक्ति के हिसाब से देखा जा रहा है, ओके। अगर यूपी में बात करें तो यूपी में 392 है, ये यूपी का, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसमें से किसके उत्पादन में भारत को एकाधिकार है, इंडिया हैज अ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके भाई यहाँ पे उत्पादन में, तो कोरल सिल्क की बात की जा रही है, मूंगा रेशम की बात की जा रही है, यानी ए ऑप्शन ना होकर के यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी मूंगा रेशम। निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव हाउस कैन बी एब्लोस्ड। तो किसको, देखो लोकसभा को नहीं कर सकते, है तो अस्थाई टेम्प्रोरी है, लेकिन इसको फिर भी हम नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते। विधानसभा इसको भी नहीं कर सकते, राज्यसभा को भी नहीं कर सकते, किसको कर सकते, विधान परिषद को। विधान परिषद को अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, विधान परिषद को यहाँ पर भंग किया जा सकता है, यानी समाप्त भी किया जा सकता है, भंग दूसरी चीज़ होगी लेकिन समाप्त किया जा सकता है इसको। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, व्हाट द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसकी अगर बात करेंगे तो शक संवत है, शका इरा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि शका इरा जो है इस समय आपका 22 मार्च 1957 से, कब से, 22 मार्च 1957 से, ये जो है आपका इंडियन का नेशनल कैलेंडर है। इससे पहले आपका जो गुप्त संवत हुआ करता, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसका पहला माह जो है चैत्र होता है और लास्ट जो होता है फाल्गुन होता है। आगे उत्तर करेंगे यहाँ पे। न्यूनतम तटरेखा वाला राज्य है, विच स्टेट हैज द लीस्ट कोस्टल लाइन। तो सबसे छोटी जो यहाँ पे है कोस्टल लाइन, उस किसके साथ बनती है, तो गोवा के साथ। टोटल हमारे कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो 9 है, उसमें जो आपका गुजरात जो है लॉन्गेस्ट जो है आप कह सकते हैं कोस्टल स्टेट लाइन वाला है, टोटल 9 है, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है।
भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी झील की बात की जा रही है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। विश्व की कौन है? ये विश्व की है, वर्ल्ड में है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी लेक, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट है। शाक्य मुनि संबंधित है, शाक्य मुनि इज रिलेटेड टू, शाक्य मुनि भाई किसके नाम से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध के नाम से संबंधित। यहाँ पे ध्यान रखना है गौतम बुद्ध जिनका बचपन में नाम सिद्धार्थ, शाक्य मुनि ये सब नाम हुआ करते थे, इनके पहले गुरु अलग कलाम है, ये भी ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य की संख्या है, द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर, कितने भाई? 11 हैं। अब इसकी अगर बात करें तो भाग यानी पार्ट 4 का, या ए भी लिख सकता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान। आर्टिकल की बात करें 51A आपका इस आर्टिकल में आता है, तो और मौलिक कर्तव्य हमारे जो है यहाँ पे कितने? 11 हैं। इसको हमने रूस के संविधान से लिया है, रूस के संविधान से। एक कमेटी आई थी स्वर्ण सिंह कमेटी, इसके रिकमेंडेशन पे स्वर्ण सिंह कमेटी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन टेकन? तो एकल नागरिकता की बात की जा रही है ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से एकल नागरिकता का सिस्टम हमने लिया है। जो हमारे यहाँ कानून चलता है आईपीसी की बात करेंगे, वो भी हमारा जो है ब्रिटेन से ही आता है, ये भी ध्यान रखना। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो भी हमारी कहाँ से आई? ब्रिटेन से ही आई है। आगे वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन है? हु इज द सुप्रीम कमांडर एट प्रेजेंट? तो कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू होंगे, यानी राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। लेकिन राष्ट्रपति के नीचे एक और पद बनाया गया सीडीएस, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ। तो कौन है? लेफ्टिनेंट अनिल चौहान वर्तमान में है, ठीक है। इनमें से किसे भारत का मैकेवेली कहा जाता है? हु एमंग दीज इज नोन एज मैकेवेली ऑफ इंडिया? तो भाई भारत का मैकेवेली इसमें से किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है, ध्यान रखना है, चाणक्य को भारत का मैकेवेली कहा जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे। नागार्जुन को आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और कालिदास को जो है शेक्सपियर कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रश्न खालसा, सिख सेना की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? विच सिख गुरु फाउंडेड दी खालसा सिख आर्मी? तो किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर की अगर बात करें यहाँ पे तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 1699 में। और ये जो है सिखों के 10वें गुरु हैं, यानी अंतिम गुरु हैं। सिखों की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे गुरु नानक के द्वारा की गई। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, जिनको जो है जहांगीर के द्वारा जो है जिनकी हत्या करवा दी जाती है। गुरु तेग बहादुर जो है औरंगजेब के द्वारा इनको फांसी पर चढ़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है इस्लाम धर्म को नहीं कबूला था। स्टेचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? वेर थी स्टेचू ऑफ बिलीफ? तो स्टेचू ऑफ बिलीफ जो है 112 मीटर शिव जी की मूर्ति है,
शिव जो हमारे शंकर भगवान देवता है उनकी बात की जा रही है, और यह है कहाँ पर, राजस्थान में है। अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? अजलन शाह कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो अजलन शाह कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से है, ठीक है, हॉकी से, ध्यान रखना। और कुछ आपके इम्पोर्टेंट है, जैसे रंगा स्वामी हो गया, आगा खान, और उसके बाद एक है ध्यानचंद ट्रॉफी। और बाकी आपको क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियों को कमेंट हमें करके बताना कि क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफियां कौन सी हैं। भारत की सरकारी रिपोर्ट जो तथ्यों सहित प्रकाशित की जाती है, गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया विच इज पब्लिश्ड विथ फैक्ट्स, एक इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वाइट पेपर कहा जाता है। ध्यान में क्या कहा जाता है, वाइट पेपर कहा जाता है। व्हाइट बुक जब रहेगा तो चाइना का हो जाएगा, ध्यान रखना है, वो चाइना की सरकारी रिपोर्ट हो जाएगी। येलो बुक जो है वो किसकी है, फ्रांस की। ब्लू बुक की बात करेंगे तो ब्रिटिश है, यानी ब्रिटेन की है। ग्रीन बुक जो है किसकी है, तो ये जो है इटली की है, ठीक है, इटली और ईरान की भी है, एंड ईरान कह सकते हैं, ये फ्रांस है। भारत का सबसे लंबा पुल है, विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, भारत का जो सबसे लंबा पुल है उसकी बात की जा रही है, भूपेन हजारिका सेतु है, ध्यान रखना भूपेन हजारिका सेतु है, कितना है, 9.15 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में है, ये भारत का जो है सबसे लंबा पुल है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक्स, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सबसे पहले जीता गया था उनकी अगर बात करें तो किसने जीता था, करणम मल्लेश्वरी ने जीता था, ध्यान रखेंगे करणम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। राजघाट क्या भाई, ये समाधि स्थल किसका है, महात्मा गांधी का। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनके जो आपका समाधि स्थल उसको कहा जाता है शांति वन। इंदिरा गांधी जो है इसको क्या कहा, इसको कहा जाता है शक्ति वन। और चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को कहा जाता है किसान घाट। और ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, और इसका जवाब आप लोग करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन फुटबॉल, तो कितने होते भाई, 11 होते हैं। फुटबॉल आपका जो है इस बार कतर दोहा में आयोजित किया गया था, वो भी ध्यान रखना। फ्रांस इसमें जो है उप विजेता रही थी, और अर्जेंटीना जो है विनर रही। अर्जेंटीना के जो कप्तान है लियोनेल मेसी, वो आपको याद रखना है। ओके, तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।